सर्बिया के घने जंगलों में इंटरनेशनल माफिया का राज है। हर तरफ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आज यहाँ उस खास हथियार का सौदा होना है जिससे पूरी धरती कांप उठेगी। और ये सौदा यूरोपोल की पुलिस के चीफ और रशियन माफिया निकोलस डियो के बीच होने जा रहा है। निकोलस डियो आ रहा है। सर, आवाज की पहचान। निकोलस डियोर। फिंगरप्रिंट सर, रेटिनल स्कैन सर, एंट्री कोड ब्लैकबर्न। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। पैसों का इंतजाम हो गया है? तुम वो हथियार लेके आए हो कि नहीं? हाँ बिल्कुल, ये रही। पैसे लाए कि नहीं? इस वक्त पैसा इंटरनेशनल बैंक्स के 12 अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर हो रहा है। ड्राइव अनलॉक हो रही है। इस चीज की कीमत 15,000 करोड़ यूरो है। तुम्हें ये कहां से मिले? इसको बिकवाने वाला खुद बहुत बड़ा सीक्रेट एजेंट है। 7 कॉन्टिनेंट्स, 196 कंट्रीज, 120 सरकारें और 18 आर्मीज इस छोटे से वेपन को खोज रही हैं। एक बार ये पैसे मेरे और उसके अकाउंट में आ जाएं, फिर ये ड्राइव तुम्हारी। ये पैसे तुम तब तक नहीं निकाल पाओगे जब तक इसका कोड मुझे नहीं दोगे। वो कोड भी तुम्हें वो सीक्रेट एजेंट ही देगा। सिक्योरिटी को टाइट करो। आखिर ये कौन सा वेपन है जो देखने में इतना छोटा है फिर भी इतना कीमती है, जिसको बचाने के लिए इस इलाके को 3 सिक्योरिटी जोन में बांट दिया है। पहले घेरे में प्राइवेट सिक्योरिटी है और दूसरे घेरे में रूस की ब्लैक हॉक प्राइवेट आर्मी है, जिसकी नजरों से इन दर्रों से लेकर दरख्तों की ऊंचाइयों तक कोई नहीं बच सकता। और फिर है तीसरा घेरा, इसमें एक खूंखार आतंकवादी संगठन के गोरिल्ला है। ये है AK काउंटर टेररिस्ट टीम के एक खास मेंबर। 9 मिनट में खेल खत्म। ब्लैकहॉक टीम लीडर, कवर द एरिया। ठीक है सर। पैसा ट्रांसफर हो गया। थर्मल इमेजिंग सेंसर क्लीन। हथियार तुम्हारा और पैसा तुम्हारा। हे, तुम यहां अंदर कैसे आए? तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? मैं सुब्रमण्यम स्वामी हूँ, यूरोपोल का चीफ। मैं हूँ निकोलस डियोर, रशियन माफिया का किंग। थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन, क्योंकि मैं किसी गलत आदमी को नहीं मारता। ऑल एजेंट अलर्ट। मैडम फैल जाओ। इस साइड पूरे इलाके को खेल लो। ठीक है सर। कोई बच के निकल ना पाए। दुश्मन घुसपैठ कर चुका है। गोली की आवाज अंदर से ही आई थी। कौन है ये जो ना तो डरता है गोलियों से और ना ही डरता है आग से? सिक्योरिटी, पूरे इलाके को घेर लो। ठीक है सर। Who are you? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? मैं कौन हूँ इसका फैसला मैं नहीं करता, जो मेरे सामने खड़ा होता है वो करता है। या तो मैं उसका दुश्मन हूँ या फिर दोस्त। बस 4 मिनट और। वो यही कहीं होगा।
छोड़ मत। पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, हालात मुश्किल हो जाए और चीख चीख कर तुमसे कहे कि तुम बुरी तरह हार चुके हो, मगर जब तक तुम्हें अपने आप पर भरोसा है तब तक कोई भी कहीं भी और कभी भी तुम्हें हरा नहीं सकता। Never, ever. Give up! Charge! काउंटर टेररिस्ट स्क्वाड यूएन की एक ऐसी बॉडी जो एफबीआई, सीआईए और इंटरपोल से भी ज्यादा ताकतवर है। उन्हें किसी को भी मारने का हक है। रिपोर्ट सर, खबर मिली है सर्बिया के जंगलों में प्राइवेट आर्मी और किसी अनजान व्यक्ति के बीच भारी लड़ाई हुई है। उस अटैक में यूरोपोल चीफ सुब्रमण्यम की मौत हो गई है, लेकिन वो वहाँ क्यों गया था ये पता नहीं चला है। सैटेलाइट और वेपन कैमरा के फुटेज से हम सारे क्रिमिनल डेटाबेस में उस किलर के चेहरे की शिनाख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। सर सर, ड्रग माफिया रिकॉर्ड्स में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं है सर। नो मैच इन CIA, FBI एंड यूरोपोल क्रिमिनल फाइल्स। सारे फुटेजेस रिवाइंड करो। फुटेज रिवाइंड करो। उसका फाइटिंग स्टाइल देखो, चीते की तरह दौड़ता है। कमाल का मिलिट्री सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। तुम लोग गलत डेटाबेस चेक कर रहे हो। ये कोई क्रिमिनल नहीं है, ये हम में से ही कोई एक है। A well trained military person. हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो कोई भी इसके एज ग्रुप का है उन टॉप एजेंट्स को ये विजुअल्स भेजो। इफ आई एम राइट, जिसने भी इसके साथ ट्रेनिंग ली होगी वो जरूर इसे पहचान लेगा। टीम, विदेश में अपनी खोज को छोड़कर यहीं से खोजना शुरू करते हैं। CTS के 2400 सैनिकों की डिटेल्स यहाँ है, उन सबको इन विजुअल्स से मैच करो, उनकी एक लिस्ट बनाओ और नजर रखो। ये खबर काउंटर टेररिस्ट स्क्वाड की एक खास टीम को भी मिली। ये है माइक, AK। उस खास दस्ते की दूसरी मेंबर है रेचल, जिसकी तलवार में बिजली है। AK। इसका तीसरा मेंबर है शॉन, जिसका निशाना अचूक है। AK जिंदा है। और इसका चौथा मेंबर है आर्यन सिंह, जिसका दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलता है। AK। काउंटर टेररिस्ट स्क्वाड की इंफॉर्मेशन के मुताबिक AK किसी मिशन के तहत मारा जा चुका था, लेकिन अचानक उसके जिंदा होने की खबर ने पूरे CTS को सकते में डाल दिया है। इन्हें यकीन है कि इस अटैक में AK का हाथ है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि उसने सुब्रमण्यम को वहाँ ढूंढकर क्यों मारा और इतनी बड़ी आर्मी किसको बचाने के लिए थी। इसीलिए AK के बाकी साथियों को यहाँ पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हमें किसी भी कीमत पर उस AK को 24 घंटे के अंदर ढूंढ निकालना होगा। कम ऑन, हरी अप। दैट्स इम्पॉसिबल।
बंदूक से निकली हुई गोली को पकड़ सकते हैं लेकिन उसे नहीं। आर्यन चीफ स्ट्रेटेजिस्ट। सर माय टीम सर। सर 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 भरत सर। दिस इज वेक्टर इन्फिनिटी। अगर दुनिया में किसी इंसान को ढूंढना हो तो इससे बेहतर बुक कोई नहीं है। हमारी टीम इसी बुक को फॉलो करती है। इसका 12th पेज पढ़ने से पहले ही हम अपने टारगेट तक पहुंच जाते हैं। 12th पेज तक जाने की जरूरत नहीं है, बस दूसरा पेज खोलो वो मिल जाएगा। ये बुक लिखने वाला वही इंसान है जिसे आप बेसब्री से ढूंढ रहे हैं। AK, फील्ड कमांडर अजय कुमार, ग्रेड 1 फाइटर, 280 मिशंस, 279 ऑन टारगेट, एक्सपर्ट इन स्पीचलेस इंटरोगेशन, लेवल A इन एडवांस्ड कॉम्बैट, द बेस्ट किलर ऑन अर्थ, द मोस्ट क्रेडिबल हिटमैन ऑफ द काउंटर टेररिस्ट स्क्वाड। जिसका पता कोई नहीं लगा सकता वो उसे ढूंढ निकालता है, जिसे कोई नहीं मार सकता वो उसे ढूंढ कर मारता है। अगर वो आपके सामने ना आना चाहे तो उसके करीब जाना भूल ही जाओ। 6 महीने पहले हुए एक मिशन के दौरान हमें लगा एक ही मारा गया, लेकिन जब उसकी मौत की खबर सुनी तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो मेरा जान से प्यारा दोस्त था। मगर उसने जो गद्दारी की है वो मेरी दोस्ती पर धब्बा है, अब वो नहीं बचेगा, ये मेरा वादा है सर। उसे ढूंढने की जिम्मेदारी हमें दीजिए सर। आर्यन, मैं तुम्हारी सिंसियरिटी, एक्सपीरियंस और टैलेंट से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं। एके को पकड़ने के लिए तुमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता, मगर तुम्हारी और एके की बहुत पुरानी दोस्ती है। विल दैट बी अ प्रॉब्लम? नेवर सर। यूरोपोल के चीफ के मर्डर के जुर्म में मैं उसे ढूंढ निकालूंगा सर, ट्रस्ट मी। हो ना हो वो यूरोप में ही कहीं है। एके ऐसा इंसान था जो दोस्तों का चिगरी था और दुश्मनों का काल। एके और आर्यन दो जिस्म एक जान थे। काउंटर टेररिस्ट स्क्वाड में इन दोनों की दोस्ती की मिसालें दी जाती थीं। इन पांचों ने एक टीम में रहकर ऐसे ऐसे मिशन कंप्लीट किए थे जिन्हें कर पाना नामुमकिन था। एके यानी अजय कुमार, जिसे दुनिया की हर गन को चलाने में महारत हासिल थी। तुम उधर देखो, जंगी तोपों के बीच वो शेर सा कहलता था। उधर Come on, come on, go, 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 come on! Go, go, उस तरफ, तुम मेरे पीछे। Good morning, sir. Morning. ये देखो, हम यहाँ से अंदर घुसेंगे। Michael, shoot! ये 10 बार में तुम्हें बचा रही हूँ। मैंने तो तुम्हें 50 बार बचाया। हम यहाँ एक दूसरे को बचाने नहीं आए। तुम जानते हो हमें हमेशा कौन बचाता है? हम पांचों की दोस्ती और कौन है? बहुत अच्छे। लेकिन इस मौत की जंग में वो मस्ती के पल खोज लेते थे। ब्रीथ। एके की शख्सियत सब पर भारी थी। जंग का मैदान उसके लिए वो कंप्यूटर गेम था जिसे वो सोते जागते कभी भी खेल सकता था। आज से 6 महीने पहले ऑस्ट्रिया में एके के घर पर उसकी बीवी ने एक पार्टी दे रखी थी। एक इडली वड़ा, 2 मैसूर मसाला, 1 पोंगल ऑर्डर। 1 मिनट, 2 प्लेट्स अप्पम, तबला टेबल इडली डोसा ऑर्डर, बच्चे लोग के लिए मेनू वड़ा मसाला डोसा ऑर्डर। आई एम हंग्री, हैया अनियन डोसा मसाला डोसा चीज डोसा, 5 प्लेट डोसा, 2 प्लेट इडली। यस सर, जल्दी जल्दी करो कहीं ये मेरा ही सर खाने न लग जाए। ऑर्डर रेडी है। ओके। अरे बाप रे, रागिनी मैम आपको बाहर गले पे बैठना चाहिए। आप यहाँ क्या कर रही है, खा रही है कि पका रही है? ऑर्डर पे ऑर्डर, ऑर्डर पे ऑर्डर, ऑर्डर पे ऑर्डर आए जा रहे हैं। पूरे कैसे होंगे पता नहीं। हाँ, ऑर्डर लिखो, इडली 5, पोंगल 5, डोसा 5, उत्तपम 5, पूरी 5, रवा 5, मसाला डोसा 5, रवा मसाला 5 और इडली भी। जल्दी करो। हाय
ब्रेड बनने के लिए। हेलो, हाउज योर फूड मैम? आर यू लाइकिंग इट? वेरी गुड। खाइए खाइए जी। ये आपको मैं और लेकर आऊँ, चटनी खाइए ना। तबला टेबल का ऑर्डर ले लो। यस मैम। लीजा और रोजलिन, मेरे दंगम टेबल चेक करो, वहाँ कोई प्रॉब्लम है। ओके मैम। गाइस, वीना टेबल का ऑर्डर ले लो, प्लीज जल्दी जाओ। ओके बॉस। यहाँ चल रहा है प्यार का बुखार, बाहर कर रहे हैं कस्टमर ऑर्डर का इंतजार। बबली मेरी यार, क्या हमने कभी नहीं किया प्यार? बताओ इन्हें, इस उबलते पानी की तरह अंदर के इमोशंस को भी कंट्रोल में लाना चाहिए। बबली डांडी मारकर घर चली? बिल्कुल नहीं। ये दोनों 5 दिन अलग रहे, पर ऐसे दिखा रहे जैसे 5 महीने से अलग हो। कितने दिन अलग रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, किससे अलग रहे उससे पड़ता है। दोनों की थी एक मजेदार प्रेम कहानी, चलते हैं बाहर मैं और तू, करने दो इनको गुटर गू। न्यूली मैरिड कपल को विश करने के लिए, प्यार और शादी के बारे में टिप्स देने के लिए हमारी रागिनी मैम से अच्छा और कोई नहीं हो सकता। मैम, मैं प्लीज कुछ बोलिए ना। टोस्ट 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 टोस्ट। अब मैं क्या कहूँ? लोग कहते हैं कि पति और पत्नी को एक साथ जीने के लिए समझौता करना होता है, मगर मेरा मानना है कि जीने के लिए समझौता नहीं, एक दूसरे का भरोसा जरूरी है। यही सच है। तालियों की आवाज से तो मैं भूल ही गई कि मुझे क्या बोलना है। आई एम स्टक। एक पत्नी के रूप से इस वक्त, इस पल, अपने तन, अपने मन और आत्मा से जो सुकून और खुशी, प्यार, सेटिस्फैक्शन मुझे मिला है, भगवान से मेरी दुआ है कि वही सब कुछ तुम दोनों को भी मिले। मैंने तुम्हें टैप लैंग्वेज बताकर गलती की। अब तुम मुंह से कम और थप-थप से ज्यादा बात करती हो। आज तो तुम पार्टी में छा गई है। वो सब इंप्रेस करने के लिए कहा या जो कुछ कहा वो सच था? आज तक मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा सच बोलने की हिम्मत नहीं की और ना ही कभी आगे कर पाऊंगी। मेरे लिए तुम्हारे साथ रहना खुशी नहीं है, क्योंकि मेरी तो खुशी ही तुम हो। तो फिर वादा करो, अगले 3 महीने तुम मेरे साथ रहोगे। रेड अलर्ट का मतलब मैं अच्छे से जानती हूँ, आप जाने की तैयारी कीजिए। आप बताओ क्या खतरा? शॉन, स्ट्रीम विजुअल्स। ये बर्लिन में आया भूकंप 8.5 रिक्टर, ये नैरोबी में आया भूकंप 7.5 रिक्टर, ये सिडनी में आया भूकंप 8.7 रिक्टर। ये एरिया साइज़मिक ज़ोन के बाहर है, यहाँ भूकंप आने का कोई चांस नहीं। ये हुआ कैसे? अभी बताता हूँ। माइक, इसकी वजह इन इलाकों में जमीन के नीचे छुपा ये 3 प्लूटोनियम बॉम्ब हैं। इसे कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है, और जिस चीज से इसे ऑपरेट किया जाता है उसे वेपन ड्राइव कहते हैं।
मौजूदा पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब के मुकाबले इसमें पूरी दुनिया में भूकंप लाने के लिए 100 गुना ज्यादा शक्ति है। ये तीनों वेपन्स इंटरनेशनल वेपन माफिया के कब्जे में है। इस मैनमेड अर्थक्वेक को दुनिया के हर कोने में करवाने के लिए मेडिकल कंपनीज और कंस्ट्रक्शन कंपनीज पैसा लगाती है, क्योंकि भूकंप के बाद जो नुकसान होता है उसका फायदा इन्हीं दो कंपनीज को होता है। दे आर मर्डरर्स। समझ गया। जब इन वेपन्स को जमीन के अंदर दफनाकर ब्लास्ट किया जाता है तभी होता है मैनमेड अर्थक्वेक। बाहर से देखने पर यह बिल्कुल असली भूकंप लगता है। अभी जो भूकंप जकार्ता में आया था वो भी इसी की वजह से था। इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? उसका कुछ पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि एक वेपन ऑस्ट्रेलिया में तो दूसरा जर्मनी में दफनाया गया है और वो कभी भी फट सकते हैं। किसी भी प्लूटोनियम वेपन को डेटोनेट करने से पहले सीक्रेट कोड लगता है। वो कोड उन्हें कहां से मिला? एक कंप्यूटर हैकर की मदद से उन्होंने सीक्रेट कोड हैक किया। हैकर? नाम नताशा, ठिकाना बल्गेरिया, उम्र 21 साल। इसी के पास उस वेपन का कोड है। ये जानते हुए भी हम उसे ट्रेस नहीं कर पाए, उसने जकार्ता वाला बॉम्ब डेटोनेट कर दिया। लेकिन ये पता नहीं चल पाया है कि इतनी कम उम्र की लड़की इस इंटरनेशनल माफिया के बीच कैसे पहुंच गई, और अगले दो वेपन को चलाने के कोड भी उसी के पास है। नीड टू फाइंड हर। ये एक टॉप सीक्रेट मिशन है। इसमें टेररिस्ट और बिजनेसमैन शामिल है। अगर ये न्यूज बाहर लीक हुई तो इस बात को लेकर वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। ऑलराइट। CIA के 4 लोग, FBI के 5 लोग, इंटरपोल के 3 लोग, ये सारे लोग नताशा को पकड़ने गए थे, मगर इनमें से कोई भी जिंदा वापस लौट कर नहीं आया। कब जाना होगा मुझे? आने वाले 50 घंटों में अगर हमने उसे ढूंढ कर नहीं निकाला तो इस दुनिया को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। दुनिया भर की सीक्रेट सर्विसेज से लेकर इंटरनेशनल माफिया तक सब इसे ढूंढ रहे हैं। ये लड़की जिस किसी के भी हाथ लगेगी वो फैसला करेगा कि इस वेपन को ब्लास्ट करना है या डिफ्यूज। द रेस इज ऑन। एके, मिशन का नाम क्या है? ऑपरेशन डॉल। टाइम चार्ट लॉक कर दिया? इट्स लॉक्ड। गाइस, लॉक है। इस टाइम चार्ट की मदद से तुम्हारी लोकेशन हमें पता चलेगी और हमारी लोकेशन तुम्हें। अभी तक तुम सिर्फ मौत से लड़े हो, मगर अब तुम्हें वक्त से भी लड़ना है। ख्याल रखना मेरे दोस्त। हाँ जरूर। नया असाइनमेंट, अभी जाना है ना? बुलेट प्रूफ जैकेट रख दी है, गन, होल्स्टर सब पैक कर दिए हैं, 3 जोड़ी कपड़े भी रख दिए हैं, काफी होंगे ना? क्या तुम्हें इस बात से तकलीफ नहीं होती कि तुमने ऐसे आदमी से शादी की जो 24 घंटे ड्यूटी करता है? हर पत्नी को चिंता होती है कि उसका पति अपनी ड्यूटी से घर आएगा कि नहीं, लेकिन मुझे चिंता होती है कि मेरा पति जिंदा वापस आएगा कि नहीं। कई बार सोचती हूं आपके इस प्रोफेशन के बारे में फिक्र होती है, मगर जब ये सोचती हूं कि ये काम सिर्फ मेरा पति कर सकता है तो खुद पर गर्व महसूस होता है, और आप पर भी। इस डर और गर्व के बीच में अपनी जिंदगी जी रही हूं। आपने वादा किया है ना इस मिशन को पूरा करने का? किया है। तो फिर आप जरूर पूरा करेंगे। आप जो कहते हैं वही करते हैं। मैं कितना काबिल हूं ये मैं नहीं जानता, मगर अपने मिशन को अंजाम देकर ही मैं लौटूंगा। ये जो यकीन तुमने मुझ पर रखा है, ये यकीन ही मुझे हर दिन जीतने की ताकत देता है। एके, आज तक हम दोनों के लिए प्यार सिर्फ एक एहसास था, लेकिन अब उस एहसास में जान आ गई है और वो मेरी कोख में पल रही है। We are ready to take off. कसपु भाई फोकस। हेलो पापा, एप्स बोलू छो? कौन एप्स? आपका बेटा अप्पू, भूल गए क्या मुझे? तू है गधेड़ा? क्या पापा? हाँ बोल अबे। ए पापा, आपको लगता था ना आपका अप्पू एकदम पप्पू है, लेकिन ये पप्पू पास हो गया है। आपको याद है मैं बचपन में पुलिस खेलता था, अब मैं सच में बड़े फील्ड कमांडर के साथ काम कर। सोचियो, कमांडर मरी गयो? आ गए वो फील्ड कमांडर, आ गए, मैं रखता हूँ, आओ जो। सर,
मुझे ढूंढ रहे ना, ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ। एक है सर, आपको मेरे टैलेंट की तारीफ करनी पड़ेगी। कैसे मैंने भीड़ में आपको पहचान लिया। हाय मैं के अजय कुमार, अब चलो। गाइड हो? मम्मी मरी गया। सर 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 सर, मैं ऐप्स हूँ। मालूम है आपके फोन में कितने ऐप्स है वो पता नहीं है, लेकिन आपके साथ ये ऐप्स ना आपको बड़ा काम आने वाला है। मेरे चेहरे पर मत जाइएगा, मैं 1, 2 का 4, 4, 2 का 1 तो यूं करूं। तुम्हारी गर्दन पर कॉकरोच है। ए टैटू है सर, मीनिंग पावर। कभी काम आएगी। ओ अच्छा, मेरे तो नहीं आई। आई नो सर, आपके साथ काम करने का सुनहरा मौका मुझे मेरे दोस्तों ने दिया है, लेकिन पता नहीं। धीरे धीरे पता चल जाएगा। अच्छा, सबको फाफड़ा बांटूंगा। सर हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हिसाब से पता चला है नताशा फेस बदल के पूरी दुनिया में घूम रही है, और आपने बोला नताशा यही है। अब मैं क्या बोलूं सर। कॉफी बोलो। है नताशा के सारे विजुअल्स जो सीसीटीवी फुटेज से मिले हैं उसे पाइल अप करो। सुन लिया गाइस, जो बोला है वो जल्दी करो। हेलो। ये क्या रागनी है, जब मैं सामने था तब क्यों नहीं बताया? अगर सामने बताती तो आप बहुत खुश होते। और हर पत्नी का सपना होता है अपने पति के चेहरे पर ऐसी खुशी देखना, लेकिन अगर बता देती तो आप मिशन पर नहीं जाते। और वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। ये मिशन आपके लिए जितना जरूरी है उतना ही मेरे लिए भी है। शाम को डॉक्टर के पास जा रही हूँ, वहाँ से कॉल करती हूँ, ठीक है? हम रेडी हैं सर। टेक केयर। नताशा का चेहरा इस वाले में 100% मैच हो रहा है, इसमें 80% मैच हो रहा है, और इसमें 60% मैच हो रहा है सर। That's the one. इसी जगह पर नताशा को बार बार देखा गया है। एनी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क ऑन दिस रोड? जैसे कि एयरपोर्ट? नहीं सर। ट्राम स्टेशन? नहीं सर। स्कूल्स? नथी। मॉल्स? ना सर। पब्स? चांस ही नथी। किस तरफ कोई हॉस्पिटल है? हाँ सर, प्रिंसटन हॉस्पिटल, यहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। फॉर यू मिस्टर। थैंक यू। प्रिंसटन हॉस्पिटल राइट? Get well soon. Thank you, uncle. Good morning. Morning, sir. मुझे स्टाफ की पूरी लिस्ट चाहिए। Right away. बीस मिनट के अंदर ये सारे डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस रूम में होने चाहिए। Apps. Yes, sir. तो क्या बच्चे ने बोला? No, sir. Sir. पैसे की चिंता मत करो, सबके लिए मंगाओ ना, पैसे मैं दूंगा, अहमदाबाद के 2 खेतर भेज दूंगा। एप्स दो कैपचिनो प्लीज। ओके सर। इट्स अ वंडरफुल डे राइट? क्या आपको खुशी नहीं, आप जिंदा हैं? आप सब डॉक्टर्स हैं, लोगों को बचाने का महान काम करते हैं, आपको मेरा प्रणाम। मेरा भी आप लोगों को इस महान काम के लिए सलाम हो। मेरा भी एक पेशा है, अगर लोगों की जान बचाना आपका काम है तो उनकी जान लेना मेरा काम है। जिसे कोई ढूंढ नहीं सकता उसे ढूंढ निकालना, जिसे कोई मार नहीं सकता उसे मारना, यही मेरा पेशा है। जिस तरह मैं आपके काम की रिस्पेक्ट करता हूँ, उसी तरह मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे काम की रिस्पेक्ट करें। आपके सामने जो लैपटॉप रखे हैं, उसमें एक इमेज आएगी, 30 सेकंड तक उसे ध्यान से देखिए। जेंटलमैन, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूं, आप लोग जा सकते हैं। डॉक्टर एल्फ्रेड। सर 2 कैपेचिनो। एप्स दूसरा कैपेचिनो इनके लिए प्लीज। थैंक यू। दूसरा कैपेचिनो डॉक्टर साहब के लिए था, मुझे लगा मेरे लिए है। एल्फ्रेड अगर मेरे पास टाइम होता तो
तो ये कैपेचिनो आराम से किसी कॉफी शॉप में बैठकर पीते और वहां मैं तुमसे पूछता कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो, फिर तुम कहते ओहो मैं तो इसे नहीं जानता, ये तुम अपने स्टाइल में कहते, फिर मैं अपने हिंदुस्तानी स्टाइल में पूछता और तुम्हें बताना पड़ता। दैट टेक्स टाइम। एप्स हमारे पास कितना टाइम है? 24 घंटे। अल्फ्रेड चलो एक गेम खेलते हैं, मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा, अगर तुमने उन तीनों सवालों के सही जवाब दिए तो तुम्हारे सीने पर 3 डॉट्स है वो हट जाएंगे। पूरा टाइम तो मैं सर के ही साथ था, तो मुझे बिना पूछे ये तैयारी कब कर डाली। फोकस फोकस। जो तस्वीर तुमने देखी क्या वो प्लास्टिक सर्जरी के लिए तुम्हारे पास आई थी? बोल रहे हैं हाँ आई थी, डर के मारे इनकी आवाज नहीं निकल रही। एप्स डॉक्टर इस गेम को कितनी जल्दी समझ गए ना। लेकिन अभी तो मेरा गेम हो जाता सर, और मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, बच्चे भी नहीं हुए हैं सर। क्या आपने उसकी प्लास्टिक सर्जरी की थी? अरे बोलो काका बोलो। उसका चेहरा बदला था? बोलो, मैं फाफड़ा के साथ जलेबी भी खिलाऊंगा बोलो। फाफड़ा जलेबी सुन के मुँह में पानी आ गया ने। सर्जरी के बाद अब वो कैसी दिखती है? बोलो बोलो काका, जल्दी से बताओ। बैंडेज निकालने से पहले ही वो भाग गए। तू बात करे छे, बैंडेज निकालने से पहले ही भाग गई? मैं नहीं जानता अब वो कैसी दिखती है, मैं उसका चेहरा नहीं देख सका सर, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। छोड़ दिया। अब हमें तलाश है उस लड़की के नए चेहरे की। बात छे सर, उसने सब बोल डाला, अब तो जलसो करेंगे सर। जीत से पहले ढोल बजाना और जीत के बाद नगाड़े बजाना, ये मेरी डिक्शनरी में नहीं लिखा। आजा पप्पू। सर अप्पू। बोलो मेरे दोस्त। आई थिंक हम नताशा तक पहुंचने वाले हैं। बहुत अच्छे, दैट्स एके। उसके एक फोटो मिली है जो 20% मैच होती है, वही उसका नया चेहरा है। वो 20% मैच जहाँ जहाँ स्पॉट हुआ है उस लोकेशन को GPRS कोड के साथ पिन पॉइंट करके मुझे टैग करो। अब हमें इस नए चेहरे को ढूंढना है। The hunt is on. जल्दी 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 मुझे हर 3 मिनट में CCTV footages दिखाते रहो। Hurry up! अरे ऐसी टॉप सीक्रेट बातें कोई PCO से करता है क्या? मैं क्या इनसे खाक सीखूंगा? इस मिशन के लिए मुझे इनको कुछ सिखाना पड़ेगा। ठीक है अभी सिखाता हूँ। आसू मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ कहना चाहते हो? बिल्कुल सर, कैसे कहूँ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, जैसे खड़े हो उसी पोज में कह दो। सर टॉप सीक्रेट बात के लिए आप PCO इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके फोन में बैलेंस नहीं है तो मुझे बोलते, 10 का छोटा रिचार्ज करा देता। सर इधर फोन रिचार्ज नहीं होगा। इधर तो रिचार्ज होता है सर, आप बॉस है आपको तो सब पता है। सर ये क्या कर रहे हैं सर, मेरी पेंटिंग अच्छी नहीं आती है। सर दिन की 4थी कॉफी पी रहे हैं, शुगर बढ़ेगा। स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। चलो जल्दी करो, वक्त कम है। हम लोग जिसको ढूंढता है ये वही है, 100% वही है ये। शुगर शुगर मिलेगी, शुगर शुगर। मेहमान को शुगर नहीं दोगे? आपका शुगर बढ़ जाएगा, फिर से शुगर मांग रहा हूँ। अरे भैया शुगर मांग रहे हैं, तेरी जायदाद थोड़ी मांग रहे। शुगर यानी चीनी कहाँ है? पब्लिक फोन पर बात करने के 5 मिनट बाद मुझे सुनते हुए पीछे आ गए। दाद देता हूँ तुम्हारी नाक की, बताओ मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अभी समझा, वो PCO इन तक पहुँचने का बहाना था। हम तो लड़की का पीछा कर रहे थे। इस लड़की का पीछा कर रहे थे और मैं रिचार्ज की बात कर रहा था। माफी मांग लूँ क्या? माफ कर दिया। बोल इस लड़की के पीछे क्यों पड़ा था? इस लड़की को मैं ही नहीं, 120 देशों की पुलिस भी ढूंढ रही है। 120 देशों की पुलिस ढूंढ रही है? इस पे अरबों रुपए का इनाम है। उस पर अरबों रुपए का इनाम है? हम उसे ढूंढ रहे थे लेकिन तुमने हमारा काम आसान कर दिया, हम तुम्हारे जरिए उसका पीछा कर रहे थे। ये भेड़िए हैं, दूसरों के शिकार के पीछे पड़ते हैं। जैसे मैं इस लड़की को ढूंढ रहा हूँ, ऐसे और भी कई लोग होंगे जो उस लड़की को ढूंढ रहे होंगे। उसे ढूंढने का मकसद क्या है पूछो इनसे,
बोल भाई। इस लड़की ने उस वेपन का कोड हैक कर लिया था, इसलिए इस पर प्रेशर डालने के लिए अल्बेनियन ग्रुप ने उसके बॉयफ्रेंड को किडनैप कर लिया। अच्छा, उसका बॉयफ्रेंड था सर। उसे किसी अल्बेनियन ग्रुप ने किडनैप किया था, तो उसी को चारा बनाकर यूज करेंगे। पहली बहुत इंटरेस्टिंग है। सर 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 सर, वो उधर रोकड़ा क्यों रखा है? मैं मुफ्त की कॉफी और टॉफी कभी नहीं खाता। क्या सर, आपने इतना बड़ा कांड कर दिया और हमारे खिलाफ अंदर 11 सबूत छोड़ दिए। कल पुलिस आएगी, केस होगा, मुझे जेल में डालेंगे, पेपर में छपेगा, वो पेपर अहमदाबाद जाएगा, मेरी शादी नहीं होगी सर। इस तरफ आ जा। उस तरफ आने से शादी हो जाएगी क्या? वो पैसा छोड़ा उस पे, कप के हैंडल पे, हर जगह हमारी उंगलियों के निशान है सर। अबे इधर आना पप्पू। उधर क्यों, इधर क्या प्रॉब्लम है? 11 सबूत छोड़ दिए। 11 नहीं, पूरे 12। नहीं नहीं, 12 नहीं, 11। एक बर्गर, बे कॉफी कप, 3 शुगर जार, मेरा चश्मा। सर, बारवा ये बॉम्ब था। हाँ बिल्कुल। अब हम कहाँ जाने वाले तुम्हें पता है? आपको जिधर जाना जाओ, मैं सुसु करके आता हूँ। और एक जा पहुँचा क्रोएशिया की सीमा पर, जहाँ पर अल्बेनियन ग्रुप था। मोटा भाई, इधर क्यों आए हैं? अब यहाँ पर गरबा होने वाला है। गरबा तो बोट हाउस में कर लिया, इधर डांडिया खेलेंगे सर। लो इसे पहन लो। आंसू छे, सुरक्षा कवच। सर 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 सर, मैं पापा से झगड़ा करके अहमदाबाद से इधर तक आया हूँ। पापा ने बोला धंधा कर, मैंने बोला हाँ धंधा करूंगा लेकिन विदेश जाके। आप तो धंधा चालू होने से पहले बंद करा रहे हैं सर। यहाँ तो मुर्दा भी रास्ता बता रहे हैं, ये कैसी जगह है सर? ये सब लोग कौन है? इन सबको देख के मुझे बहुत डर लग रहा है सर। चलो ने पाछा जाइए सर। इंसान तो ठीक, इधर कुत्ते भी भयानक है। किसी एकाध कुत्ते ने मुझे काटा ना तो पूरे 14 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, वो भी अहमदाबाद जाके। इधर का इंजेक्शन महंगा पड़ता है ना सर, इसलिए। सर, आर यू लिसनिंग व्हाट आई एम टॉकिंग? सर, मुझे लगता है ये कोई नए टाइप का गेम है, ये हम भी खेले क्या है? ले ले एक, ले दे। सर, एक और सुपर पावर टैटू की जरूरत है, करा लूं? है कुछ तो बोलिए सर। अच्छा, इधर बास्केटबॉल खेलने आए हैं। पहले बोला होता बड़े मैदान में ले जाता ने। एप्स, तुम्हें याद है ना हम यहाँ क्यों आए? शायद हाँ। तो जब मैं बोलने वाला हूँ बोल दो। कॉफी बोलूं? 5 मिनट में इनका बॉस अगर सामने नहीं आया तो इन सब की खोपड़ियां फोड़ दूंगा। ए, ए, खोपड़ी, ये फुटबॉल नहीं है, खोपड़ी है, ऐसे कैसे फोड़ेंगे? सच में फोड़ेंगे? बोल दे ने। एक मिनट और सर। हेलो पापा, अल्पेश कुमार पटेल बोलू छू। ऐसा वो तो मेरा शॉर्ट फॉर्म है। मैंने आपसे कहा था ने कि विदेश जाके आपका नाम रोशन करूंगा, अब 4 लोगों को भेजो मेरी अर्थी उठाने को। ए पापा, अल्पेश कुमार पटेल, इनसे कह दूं क्या? कह दे। इनको मेरे मन की आवाज कैसे सुनाई देती है? नहीं नहीं, ए फोकस अप्पू, फोकस। ए मोटा भाई, तुम्हारे बॉस को बुलाओ ना। बोल दिया सर, इनके बॉस की नानी की दादी की बहन गुजर गई है, वो उधर गए, 13वीं मनाने के बाद ही आएंगे, तो हम तब आएंगे। जो मैंने कहा वो तूने नहीं कहा। आपने क्या कहा जो मैंने नहीं कहा? वही जो तूने नहीं सुना। गूंगा है तो तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बॉस का काम है, उसको बुलाओ। I am the boss. Stop joking, टकले। You are not the boss. हमारे देश में जिसके हाथ में ये होती है वही बॉस होता है। अपो, गेट को अच्छे से बंद कर। करूं चुप सर। हमारे देश में बॉस तमंचे से नहीं, तमाचे से काम लेता है। ठीक है, गयो गयो। चलो चलो मोटा।
है धीमे धीमे चलो चलो राइट से निकल ले राइट सर सर ये क्या कर दिया आप यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएंगे अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई सर इसको बोल टेंशन मत ले टेंशन लेगा तो बीपी बढ़ेगा और बीपी बढ़ा तो खून का फ्लो बढ़ेगा क्योंकि मैंने इसकी टांग की नस काट दी है यानी कि फेमोरल आर्टरी कौन सी लॉटरी अगर 15 मिनट में इसको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला तो यह जहन्नुम में चला जाएगा तेरे पास सिर्फ एक रास्ता है कान खोल के सो रहा है ना खून बह रहा उस जगह को अपने हाथों से टाइट पकड़ तो शायद 15 मिनट की जगह 20 मिनट जी लेगा अबे सोचता क्या है एक सवाल का जवाब देने के लिए इतना टाइम काफी है बता इस लड़की के बॉयफ्रेंड को कहाँ छुपाया है तुम जिंदा नहीं बचोगे नहीं छोड़ूंगा तुम्हें टाइट पकड़ टाइट पकड़ जरा जल्दी करना टाइम बहुत कम है मेरे पास नहीं टकले के पास बच के नहीं जा पाओगे कितनी बार बोलूं टाइट पकड़ बोल ना इस लड़के का बॉयफ्रेंड किधर है बताता हूँ सर ये बोल रहा है सर नाइस हमने ही किडनैप किया था चलो इस बात की तो तसल्ली हो गई हम नताशा को ढूंढ रहे थे क्योंकि उसने बॉम्ब फोड़ने से मना कर दिया था लड़की के बारे में पूछना चाहते थे लड़के को मारा और वो लड़का टपक गया सर किधर जा रहे हैं सर धड़ाधड़ गोली चला रहे हैं वो लोग चलो घरे हाँ बोला आर्यन एके तुमने पूछा था ना उस लड़की के चेहरे का मैच कौन कौन सी जगहों पर स्पॉट हुआ है यप डिटेल्स आ गई हमने उन लोकेशंस को मार्क कर लिया जिस जगह पर तुम्हारा टाइम चार्ट अभी सिंक हो रहा है तुम जिस जगह पर अभी हो उसके आसपास वो लड़की बहुत बार देखी जा चुकी आर यू श्योर डैम श्योर अच्छा ये कब की बात है रेचल 12 फरवरी 2017 अच्छा इसे पूछो कि इस लड़की के बॉयफ्रेंड को कभी बंद करके यहाँ रखा था 12 फरवरी 2017 12 फरवरी 2017 वही डेट I'll call you back. जब उसे पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड किडनैप हो चुका है तब नताशा यहाँ आई थी किसी तरह उसने इसे कम्युनिकेट किया होगा वो इस खतरनाक इलाके का कई बार चक्कर लगा चुकी होगी सवाल ये उठता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे कांटेक्ट कैसे किया कैसे किया पूछ इससे उसकी लाश कहाँ है ए, लाश किधर है भाई बोल ले उसकी लाश हमारे आदमियों के पास है वो उसे लेकर इधर ही आ रहे हैं ये लोग तो दरवाजे तोड़ डालेंगे सर सो करो ओपन इट बाहर जाओ बाहर जाओ उस लड़के की लाश छोड़कर बाहर जाओ कोई अंदर नहीं रहेगा आउट आउट गेट आउट बची गया उसके बॉयफ्रेंड की फोटो खींच स्माइल प्लीज हंसतो नहीं सर हैमिल्टन हॉस्पिटल हेलो एक बेहोश बंदा है जिसके हाथ पे आपके हॉस्पिटल का टैग है C2386 C2386 कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है सर अभी कनेक्ट कर रही हूँ थैंक यू C2386 ये पेसमेकर का कोड है पेसमेकर हाँ इसको दिल में लगाने से हार्ट रेट रेगुलेट होता है क्या आप उस पेसमेकर के जरिए उस बंदे को ट्रैक और लोकेट कर सकती हैं आई कैन ट्राई अ पेसमेकर ऑफ है पेशेंट जिंदा है मैं बाद में फोन करता हूँ यही पेसमेकर इसके सीने में लगा हुआ था नताशा एक कंप्यूटर हैकर है उसने स्पेस मेकर को हैक करके यहाँ का पता लगा लिया
लेकिन वो अंदर नहीं आ सकी। जब इसकी मौत हुई तो पेसमेकर की भी मौत हो गई। वो कंफ्यूज हो गई। हमें इस पेसमेकर को फिर से जिंदा करना है। अब ये पेसमेकर हमें नताशा तक पहुंचाएगा। मोटा भाई, भागने का रास्ता बताओ ना। भरत मिलाप हो गया हो तो चले। मैं पीछे का रास्ता पूछ रहा हूँ सर, आगे तो मौत ही मौत है। कम या यहाँ से आए थे वहीं से जाएंगे। ये तुझे बचा लेगी। सर कैसी बातें कर रहे हैं, आपको बताया था मेरे बच्चे नहीं है। ऊपर तो ठीक है, नीचे का क्या? सब कुछ बच जाएगा। सच्चे? काम जैकेट में टाइम बॉम्ब है सर। ये बॉम्ब नहीं, यहाँ से निकलने का पासपोर्ट है। अगर किसी ने गोली चलाई तो ऑटोमेटिक ट्रिगर से हाथ हटा लेना, बॉम्ब फट जाएगा। ये पूरी बिल्डिंग राख हो जाएगी। ए भाई लोग, ए निकलो यहाँ से। बॉम्ब की जुबान ये लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि डर की कोई जुबान नहीं। प्लान क्या है के? पेसमेकर को एक्टिव कर आपको। करियो सर, हॉस्पिटल की वेबसाइट को कोई हैक कर रहा है सर, उसको करूं? रिवर्स हैक करके उस हैकर की लोकेशन ट्रेस करो। हैकिंग इज हैपनिंग फ्रॉम इंडिया एंड अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, रशिया, चाइना, फ्रांस। सर इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस सब जगह अपने साथियों को भेजते हैं और उसको अभी पकड़ते हैं सर। वो एक ही वक्त पर इन सारे देशों से हैक कर रही है, हमें भटका रही है। वो नताशा को पकड़ना बहुत मुश्किल है, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। हम सबसे पावरफुल वेपन यूज करेंगे, लव यानी इश्क। माइक, नताशा के बॉयफ्रेंड का ये फोटो लो और एक वर्चुअल होलोग्राम बनाओ। आप लोग अपने पुराने चेस गेम को कंटिन्यू करो, आई विल मेक द होलोग्राम रेडी। अब हम इस वर्चुअल होलोग्राम को भीड़ वाले एरिया में रखेंगे। नताशा या किसी और को शक नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ एक होलोग्राम है, जिंदा आदमी नहीं। पेसमेकर को एक्टिवेट कर दो। ये बताओ कि पेसमेकर एक्टिवेट हुआ कि नहीं? हो गया है सर, ऑन करता हूं। चार एग्जिट्स हैं। शॉन, एग्जिट ए। सिड, रिपोर्टिंग सर। रेचल, इन पोजीशन। शूटर वन, यस सर, बाई तरफ। ओके सर। शूटर टू, ऑन पोजीशन, बाई तरफ। शूटर सेवन, बाई तरफ नीचे। इन पोजीशन सर। नताशा हॉस्पिटल के वेबसाइट को हैक करके पेसमेकर के लोकेशन को लॉक कर देगी। इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन, जहां हमारा वर्चुअल होलोग्राम होगा उस एरिया के सीसीटीवी कैमरास को हैक करके अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आएगी। विजुअल कंफर्मेशन, इस एरिया के सारे सीसीटीवी कैमरास एक के बाद एक बंद हो रहे हैं। वी आर लूजिंग द विजुअल्स, गोइंग ब्लाइंड। अगर एके का इंट्यूशन सही है तो नताशा यहाँ जरूर आएगी और हमारे चाल में फंस जाएगी। खबर अच्छी है, द डॉल इज हियर। अब हमें इसे दुनिया भर में ढूंढने की जरूरत नहीं, ना उत्तर दक्षिण में ढूंढना होगा, ना ही पूरब पश्चिम में। मछली खुद हमारे जाल में फंसने आ रही है, लेकिन कहाँ रह गई? देखिए, लगता है नताशा ने सीसीटीवी के साथ साथ इस एरिया का पावर कनेक्शन बंद करना भी शुरू कर दिया है। होलोग्राम बैटरी बैकअप पर चल रहा है, बस और दो मिनट का बैटरी सपोर्ट बाकी है। इस एरिया में आए बिना वो पावर कट नहीं कर सकती, वो यही है। यहाँ 300-400 लोगों की भीड़ है, उनमें से 100-150 लड़कियां हैं। नताशा इनमें से एक होगी, लेकिन कौन सी? एक मिनट में होलोग्राम बंद हो जाएगा। नताशा ये देखेगी तो उसे शक हो जाएगा और वो भाग जाएगी। बैटरी रुक जा, 5 मिनट। वहां हुड वाली लड़की को देखो। हाँ वहां, वहां कहां? ओ सॉरी, 30 सेकेंड्स में होलोग्राम बंद हो जाएगा। कम ऑन टीम, डू समथिंग। 20 सेकेंड्स, वी आर गोइंग टू लूज द बैटरी एंड द होलोग्राम इन 10 सेकेंड्स। प्लान बी, प्लान बी।
What plan B? Plan B क्या है? Plan B क्या है सर? Plan B क्या है मैं नहीं जानता, मगर मैं एक ही को जानता हूँ, अब धमाका होगा। Thanks मेरे भाई। जितने भी लोग इस वक्त यहाँ पर हैं, वो सभी ब्लास्ट की उल्टी दिशा में भागेंगे। समझ गया। सिर्फ एक शख्स जहाँ ब्लास्ट हुआ है उसकी तरफ भागेगा, वही हमारा टारगेट नताशा है। Stay focused. फंस गई चिड़िया। रेचल तुम्हारे लेफ्ट में, गो 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 गो। ओके सर। वो भाग रही है, पकड़ो उसे, पकड़ो। सर सबने वोट पहन रखा है। अच्छी तरह ढूंढो। यार दैट्स इट, हमें सी। ये गयो। कम इन, कम इन, कैन यू हियर मी सर? वो क्या रहा है? हेलो, कम इन, कम इन। जल्दी करो माइक, आवाज आ रही है। इसे ठीक करो। आई कांट, मैं घिर चुकी हूँ, मैं इस एरिया का मोबाइल नेटवर्क जाम कर देती हूँ। यही है 1 billion euro की लॉटरी। मूव मूव, बैक रोम से। Come on, let's move! उस लड़की को पकड़ना है, चलो चलो। बॉस ये देखिए, चलो चलो जल्दी चलो, सब चलो चलो, उस लड़की को पकड़ना है। मैं नताशा के पीछे जा रहा हूं। ओह ग्रेट, stop there sir, नताशा का पता चल गया। जल्दी करो।
नताशा आगे आ जाओ। ओके। जल्दी। हेलो। बोलो रागिनी। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। डॉक्टर हमारे बच्चे की हार्ट बीट पहली बार सुनाने जा रही हैं। आप सुनेंगे? हाँ सुनूंगा। सुनी आपने? आप पक्का ठीक हैं? अपना ख्याल रखना, सिर्फ मुझे ही नहीं अब तो किसी और को भी आपका इंतजार रहेगा। मैं आऊंगा। AK reporting from safe house 2957. Access granted. Call. मैं डर गई थी इसलिए मैंने गोली चलाई। मैं पैसों के लिए हैकिंग करती हूँ। आई एम अ हैकर। कंप्यूटर ही मेरी जिंदगी थी। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। एक दिन मुझे एक लड़का मिला, सैम। उसने मेरी जिंदगी बदल दी। ही वॉज माई लाइफ। लेकिन एक दिन किसी ने मुझे पैसे दिए और एक कोड को हैक करने के लिए कहा, और मैंने उसकी बात मान ली। मुझे नहीं पता था कि वो किसी वेपन का कोड है, लेकिन जब मुझे पता चला कि इसे जकार्ता में मैनमेड अर्थक्वेक करवाया गया है और उससे बेगुनाह मारे गए हैं, तो मुझे बहुत दुख हुआ। और जब उन्होंने मुझसे ये काम दोबारा करने के लिए कहा तो मैंने मना कर दिया। मुझसे वो काम करवाने के लिए उन्होंने सैम को किडनैप कर लिया। मैं नहीं मानी तो उन्होंने सैम को मार डाला। मैं गुनहगार हूँ। मैंने अपना चेहरा तो बदल दिया पर अपना दिल नहीं बदल पाई। हाँ सर। एक है, वो वेपन ड्राइव लेकर यहाँ आ जाओ। क्यों? क्योंकि चीफ ने कहा है। मैं बात करता हूँ। आने से पहले उस लड़की को खत्म कर देना। मैं बाद में फोन करता हूँ। क्या आप मुझे मार डालेंगे सर? लेकिन मैं जीना चाहती हूँ। I feel like living. सर, मेरे पास सिर्फ दोनों वेपन्स को एक्टिवेट करने की ड्राइव ही नहीं, उन्हें टोटली डीएक्टिवेट करने की ड्राइव भी है। आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी इस वेपन ड्राइव के पीछे पड़े हुए हैं सर, और मैं नहीं चाहती ये वेपन ड्राइव किसी भी हाल में उनके हाथ लगे, क्योंकि वो लोग इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं सर। टाइम इज रनिंग, वक्त बहुत कम है।
मुझ पर भरोसा कीजिए। यही रुको। एक ही आर्यन, नताशा सच बोल रही है, वो निर्दोष है। मैं वो वेपन ड्राइव लेकर हेडक्वार्टर जा रहा हूं, वहां से डीएक्टिवेट करेंगे, उसका कोड है मेरे पास। तुमने जो तय किया है वो ठीक ही होगा, हमें तुम पर भरोसा है। Oh no! Oh my God! What's happening? Hey! वो जो पहाड़ आप देख रहे हैं ना सर, सैटेलाइट स्टेशन वहीं पर है। पहले हेडक्वार्टर जाना है, मुझे जाके चीफ को बताना होगा कि तुम बेगुनाह हो। कल इस जगह पर कितनी देर तक ट्रैफिक जाम था मैं चेक करके बता सकती हूँ। तुम ये कर पाओगी? हाँ आराम से, मैं किसी भी ट्रैफिक कैमरा को हैक करके ये बता सकती हूँ। तुम्हारे पास हर ताले की चाबी है। क्या हुआ? इससे पहले यहाँ कोई चेक पोस्ट नहीं था। क्या ये ट्रैप है? ये नया चेक पोस्ट है सर। I'm running very late. What's happening? People wait, calm down. हमें खबर मिली है कि यहाँ पर से कोई टेररिस्ट है। What's happening? तुम डरो मत और ध्यान से सुनो, अगले 5 मिनट में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। तुम झुक जाओ, कुछ भी हो जाए गाड़ी से बाहर मत निकलना। ओके। डोंट पैनिक। हिम्मत रखो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। आज तक मैं भागते भागते थक गई हूँ, इसे आप गलत हाथों में मत पड़ने देना। मैं इसे अब और नहीं संभाल सकती। नताशा, हौसला रखो। नताशा, Oh!
मुझे हेडक्वार्टर पहुंचना है, टाइम नहीं है। आर्यन, क्या हुआ, कैसे हुआ ये? मेरे दोस्त, मैंने तुझसे वेपन ड्राइव मांगी थी पर तूने कहा कि तू जाके बॉस को देगा। मैं चाहता था कि वेपन ड्राइव के बदले तेरी जान बख्श दूं। इसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 20,000 करोड़ यूरो है। जानता है, दोस्ती के मुकाबले 20,000 करोड़ यूरो बहुत ज्यादा है। तू मेरे पैसे हड़पना चाहता था। इसकी बॉडी में इतने छेद करो कि चील कौए भी खाने से इनकार कर दें। हेलो हेलो हेलो, दोस्त हो तो तेरे जैसा जिसने अपनी जान देकर दोस्ती की कीमत चुका दी। हेलो कुछ तो बोलिए, हो क्या रहा है, आप ठीक तो है ना? हैप्पी जर्नी एके। हे भगवान, अगले जन्म में फिर मिलेंगे। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? सिर्फ एक बार कहिए कि आप लौट कर आएंगे, फिर मेरी खातिर कहिए कि आप लौट कर आएंगे। जब भी आप वादा करते हैं तो उसे पूरा करते हैं। वादा कीजिए कि आप लौट कर आएंगे। वादा कीजिए, बोलिए। मैं लौट के आऊंगा। गुड बाय के। ये लो वेपन ड्राइव और 20,000 करोड़ की डील फाइनल करो। अब ये वेपन ड्राइव हमारे पास है, इससे मेरे सारे सपने साकार होंगे। हमारे अकाउंट में 20,000 करोड़ यूरो होंगे और इन पैसों से हम दुनिया भर के पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करके राज करेंगे। अब मेरी जीत होगी और मैं दुनिया पर दहशत का परिंदा बनकर मंडराऊंगा और मेरी उड़ान के परों को कोई नहीं काट सकता। द रियल एक्शन बिगिंस नाउ। पिछले 3 महीने तक एके अपनी मौत से जंग लड़ता रहा, क्योंकि एके वो शख्स था जो चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो ध्रुव तारे की तरह अटल था। दरिंदगी भी इसके आगे जिंदा रहने की भीख मांगती थी। एके की आंखों में अब भी वो मंजर शीशे की तरह साफ था जब आर्यन और उसके दोस्तों ने एके को जान से मार ही दिया था। अब उसका एक ही मकसद था कि वो ये साबित कर सके कि आर्यन हीरो नहीं, एक आतंकवादी है। कुदरती ताकतें भी उसके आगे सर झुकाती थी, तो आर्यन क्या चीज था? पिछले 3 महीनों में एके ने खुद को आर्यन और उसकी फोर्स से लड़ने के लिए तैयार कर लिया है और 3 महीने बाद उस वेपन डील के समय एके को वो मौका मिल ही गया और आज वो आर्यन के सामने एक चट्टान की तरह खड़ा है। क्या एके जानता है कि हमने उसे गोली मारी थी? उसे इसकी भनक भी नहीं है। तुम्हें यकीन है? सबूत क्या है? हम सब अभी तक जिंदा हैं, यही इस बात का सबूत है। अगर मेरा दोस्त हमारी असलियत जानता
तो हम चारों की बॉडी बैग में भर के कहीं फेंक चुका होता। हमारे सीटीएस सेफ हाउस से चुराया हुआ इक्विपमेंट इस वक्त एके यूज कर रहा है। उसके एक डिवाइस का जीपीएस काम कर रहा है। बुलसाई, इस जीपीएस का इस्तेमाल करके एके कहाँ है पता करो। कम ऑन जल्दी। आई एम लुकिंग एट द कोड्स। एके से उस वेपन ड्राइव को लेंगे और इस बार बिना कोई गलती किए उसे मारेंगे। सिर से लेकर पैर तक उसके हर एक हिस्से को नोच नोच निकालेंगे और फिर उन्हें जलाएंगे। उसके नाम की होलिका जलाएंगे और फिर उसकी जली हुई राख को हवा में बहा देंगे। हमें उसका ठिकाना मिल गया। रेचल और माइक, तुम दोनों वहां। आज तक हमने जो भी टेररिस्ट अटैक किए, जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट किए, स्मगलिंग से जितना भी पैसा कमाया, इन सबसे कीमती आने वाला एक घंटा है, क्योंकि यही आने वाला एक घंटा हमारी किस्मत का फैसला करेगा। ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टैक्ट लेंस है, जो तुम वहां देखोगे उसे मैं यहाँ देख पाऊंगा। आर्यन, तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल साफ साफ। ये एक ऑडियो डिवाइस है, जो भी तुम वहाँ सुनोगे उसे मैं यहाँ सुन पाऊंगा। आर्यन, can you hear me? क्रिस्टल क्लियर। जानते हो सबसे बड़ा हथियार कौन सा होता है? पक्की दोस्ती, सोच समझ के इस्तेमाल करना। Let's kill AK. AK! AK, Mike is here. Where are you, AK? Your friend Mike is here. आर्यन, थर्मल इमेज मिल रही है? सैटेलाइट लिंक हो गया और थर्मल इमेज मिल रही है। AK किसी भी वक्त तुम्हारे सामने आ सकता है। Look at your right. Okay. हाय एके। रेचल। हाय बॉडी। माइक, कैसे हो तुम लोग? हम सब ठीक हैं एके। तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत तकलीफ हो रही है। हम यहाँ पर हैं इस बात की खबर ना तो चीफ को है और ना ही बाकी टीम मेंबर्स को। तुम्हें यहाँ से सुरक्षित और सही सलामत ले जाना ही आर्यन का प्लान है। उसी ने हमें यहाँ भेजा है। इस वक्त हमारे लिए सबसे जरूरी है आपकी बेगुनाही को साबित करना। तुम दोनों को एक बार फिर देखकर कितनी खुशी हो रही है मैं बयान नहीं कर सकता। आज के बाद ये लड़ाई तुम्हारे अकेले की नहीं है एके, हम तुम्हारे साथ हैं। स्वीट हार्ट, अपना इमोशनल अत्याचार बंद करो। पूछो से वेपन ड्राइव कहाँ है। अच्छा, वो ड्राइव कहाँ है? अंदर है, आओ मेरे साथ। उसकी आंखों में बिल्कुल मत देखना, पीछे चलते रहो। अपने दिल की धड़कन को काबू में रखो, उसे शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसे तुम दोनों पर जरा भी शक हुआ तो तुम दोनों वापस नहीं लौट पाओगे। एक बार वेपन कोड दिख जाए तो फिर बिना हिचकिचाए उसका काम तमाम कर देना। माइक, रेचल, जिंदगी में कई कॉम्बैट्स, कवर्ट एक्शंस, क्लोज कॉल मिशंस और लड़ाइयां लड़ी हैं मैंने, मगर जिस लड़ाई की अब मैं तैयारी करने जा रहा हूं वो सबसे अनोखी होगी। बट दिस वन इज डिफरेंट। डिफरेंट मतलब? ऐसा क्यों कह रहे हो? आज तक हुई हर लड़ाई में मेरा जो विरोधी था वो मेरा दुश्मन था। Hey, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मगर इस बार जो लड़ाई होने वाली है उसमें विरोधी मेरा दोस्त होगा। सर, थर्मल इमेजिंग नहीं दिखाई दे रही। सर, आवाज नहीं आ रही। सर, आप कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। इंफ्रारेड रेडिएशन बहुत ज्यादा है सर। इट्स अ कंप्लीट सर्वेलेंस ब्लैकआउट सर। गेट बैक द कम्युनिकेशन शॉन। ओके सर। वो नहीं फंसा, उसने हमें फंसाया है। वो छुपा नहीं है, घात लगाकर बैठा है हमें मारने के लिए। इसे सच पता चल गया। जानते हो दुनिया में कौन सा दुश्मन है जिसका तुम सामना नहीं कर सकते? धोखा खाया हुआ एक सच्चा और जख्मी दोस्त। स्वॉट टीम को जल्दी टनल के अंदर भेजो। सेंड मी द ब्लूप्रिंट ऑफ द टनल राइट नाउ। उस गुफा की लंबाई 40 किलोमीटर है और अंदर जाने का एक ही रास्ता है, मगर अब वो बंद है। अगर एके ने इस जगह को चुना है तो बाहर निकलने का रास्ता या फिर कोई ना कोई एग्जिट प्लान जरूर होगा। एग्जिट डोर्स कितने हैं? टनल के ब्लूप्रिंट में काफी कंफ्यूजन है। There is no exit point. What am I missing? टनल कब बनाई गई थी? Second World War के दौरान बनाई गई थी। मुझे उस टाइम के कंस्ट्रक्शन ब्लूप्रिंट दिखाओ। देखो, इसमें 60 रास्ते हैं और इनमें से कई रास्ते अंडरग्राउंड ट्रेन ट्रैक से जाके मिलते हैं। That's it. यही है उसका एग्जिट प्लान। एक है, अगर आंधी है तो वो ये नहीं जानता कि आर्यन भी एक सुनामी है। Oh!
Mike is dead. Officer down, officer down. आर्यन गेम फीड माइक के फोन से आ रहा है. दैट्स माय फ्रेंड फॉर यू. मैं जानता हूं अपने दोस्त को. ये इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा. हार मानेगा और ना ही वो मरेगा. और उसे मरना होगा. आर्यन माइक के फोन से कोई कॉल कर रहा है. एक एक का ही कॉल होगा और इसे ट्रेस कर पाना मुश्किल है. बोल दोस्त. प्यारे दोस्त, अगर तू सच्चाई के लिए लड़ता और हक से मांगता तो अपनी जान तक दे देता मैं. तेरी बंदूक से निकली हर गोली ने इतना जख्म नहीं दिया जितना तेरे धोखे ने दिया. याद है आज तक कितनी बार तेरे लिए मैंने अपनी जान जोखिम में डाली है? क्या तू एक बार मेरे लिए अपनी जान नहीं दे सकता? तू जिंदगी जीना भी नहीं जानता और पूरी तरह से मरना भी नहीं जानता. तुझे आज ना आए इसलिए ढाल बनकर हमेशा तेरे आगे खड़ा रहा, लेकिन तूने मौका पाते मेरी पीठ पर तलवार भोंक दी. तू इंसान नहीं है. दुनिया में जितने भी देश हैं उनको सिर्फ उनकी सरकार नहीं चलाती, ड्रग माफिया, वेपन डीलर, ये दोनों भी चलाते हैं. इनमें पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट ऑफिशियल, आतंकवादी संगठन भी शामिल है. मैं अब उन सबको कंट्रोल करूंगा. मैं अपने फायदे के लिए सारी दुनिया के हर कोने में युद्ध शुरू करवाऊंगा, धमाके करवाऊंगा, अटैक्स करवाऊंगा.
और इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज में मैं नेचुरल कैलामिटीज के बाद नए मार्केट्स क्रिएट करवाऊंगा। तुम जो खाओगे, तुम जो पियोगे, तुम जो पहनोगे, तुम जो दवाइयां लोगे, यहां तक कि जो न्यूज सुनोगे, उन सब पर अब मेरा कंट्रोल होगा, मेरा और बस मेरा। जिंदगी में दो चीजें कभी मत खोना, जन्म देने वाले माता पिता और जान देने वाला वफादार दोस्त। और दोस्त को तूने खो दिया। अब हम दोनों के बीच जंग शुरू हो चुकी है। जब दो आर्मी आपस में लड़ती है तो उसे जंग कहते हैं, मगर जब आर्मी एक आदमी का पीछा करती है तो उसे जंग नहीं शिकार कहते हैं। तेरी आर्मी मेरी किस्मत का फैसला नहीं करेगी, मेरी किस्मत में खुद लिखता हूँ, जैसी सोच वैसी जिंदगी। तेरे पास आर्मी होगी मगर मेरे पास तुझे हराने का मकसद। जब मकसद सही हो तो भगवान भी साथ देता है। कौन सा भगवान? जिस तरह बंदर इंसान के रूप में बदल गया, उसी तरह भगवान का रूप भी बदल चुका है, पैसों में। दूसरा वेपन तो मैं ही ब्लास्ट करूंगा, मगर उससे पहले तुझे मार डालूंगा, समझे मेरे प्यारे दोस्त। अब तक तूने मुझे दुश्मनों पर भारी पड़ते हुए देखा है, लेकिन खत्तार दोस्त से लड़ते पहली बार देखेगा। यू विल सी माई रेज। वो जख्मी शेर की तरह और भी खूंखार हो गया है, लेकिन वो मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने से नहीं रोक सकता। अब वक्त आ गया है जहां उसके गुस्से की आग को इस्तेमाल किया जाए। अगर इस आग को थोड़ी सी और हवा दे दी जाए तो वो खुद ही जलकर राख हो जाएगा। एक काम करो, उसकी पत्नी को जान से मार दो। दुनिया के टॉप माफिया को खबर करो कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। जब वो देखेगा तो बौखला जाएगा और गलती कर बैठेगा। यही तो हम चाहते हैं, उसकी पत्नी की मौत ऐसी हो कि मौत भी डर जाए। आदमी एक एक घर के चारों तरफ तैयार खड़े हैं, एक एक घर के करीब भी नहीं आ सकता। रागिनी घर में अकेली है। बहुत बारिश हो रही है, अब तुम लोग घर जाओ। ओके मैम, बाय मैम, टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो, सी यू टुमारो, सी यू बाय, गुड नाइट, बाय मैम, बाय। वेयर इज अंकल, व्हेन इज ही कमिंग बैक? बाय मैम, बाय 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 बाय। सामने है सर, याद है ना, भयानक मौत। एक पत्नी के रूप से इस वक्त इस पल अपने तन अपने मन और आत्मा से जो सुकून और खुशी प्यार सेटिस्फेक्शन <Huh?
What happened? Report! Respond! आ जाओ। That's my lady. मारो मुझे। Come in. आर्यन कोई जवाब नहीं दे रहा है। नहीं, नहीं, रुक जाओ, फेंको मत। चाकू को फ्लोर पर डाल दो। नहीं, नहीं। में जाओ राकिनी। एके की वाइफ को विक्टोरिया स्ट्रीट में देखा गया है सर। हमारे एजेंट्स उसका पीछा कर रहे हैं। सर, हम एके का इंतजार कर रहे हैं। प्राइवेट किलर्स उसके नजदीक है। नेगेटिव, वो कहीं नहीं। दिस इज फन। शतरंज के खेल में और मजा आएगा। चेकमेट मेरे दोस्त। हेलो। हाय रागिनी, कैसे हो? कहाँ हो? उसे वो फोन कहाँ से मिला? ट्रैक द फोन, ट्रेस द कॉलर। यस सर। ये बात करने का वक्त नहीं, पीछे मुड़ कर देखो। मुझे पकड़ने के लिए वो तुम्हें चारे की तरह इस्तेमाल करेंगे। वो हर तरफ फैले हुए हैं। 30 सेकंड में हम इस कॉल को ट्रेस करेंगे। कम ऑन गाइस। कॉल कहाँ से आ रही है पता करो जल्दी। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। सोचो मत, उठो और लेफ्ट में जाओ। सर, वो वहां से निकल रही है। इस फोन के जरिए वो लोग मुझे ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। क्या कर रहे हो? जल्दी से लोकेशन ट्रैक करो। 30 सेकंड्स मोर। हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड्स हैं। बात करते वक्त 29वें सेकंड में कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन पैनिक मत होना। व्हाट द स्टेटस? 15 सेकंड्स। चलती रहो। ठीक है सर। 10 सेकंड्स मोर। जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट हो तुम रुक जाना। ठीक है। अब सुनिए सर, एक प्रॉब्लम है। फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। हेलो। गुड जॉब रागिनी, वी डिड इट। चलते रहो लेफ्ट की तरफ। हाँ ठीक है। वो दूसरे फोन से बात कर रही है सर। ये फोन उसे किसने दिया? इस कॉल को भी वो ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। इनकमिंग कॉल की लोकेशन पता कराओ। सर, तीसरे पिलर के पीछे छुप जाओ रागिनी। स्टे देयर। वहाँ जितने भी सीसीटीवी कैमरा से उनकी फुटेज दिखाओ। देखो वहाँ बाहर सीसीटीवी कैमरा है। कैमरा राइट में घूमते ही तुम बाहर आ जाना। ओके। और 20 सेकंड बचे हैं। वो भाग रही है, वो भाग रही है। वो उसे गाइड कर रहा है। मूव रागिनी, चलती रहो। पता लगाओ जल्दी। सर, 3 सेकंड और। हेलो सर, हमारा कनेक्शन टूट गया। ऑपोजिट साइड में ट्रैम स्टेशन है, उसके वेटिंग एरिया में मेरा इंतजार करो। ट्रैम स्टेशन कैमरा 24, रागिनी वहीं पर है सर।
उसके नजदीक आने वाला एक ही होगा। कौन है, कहां है? चेक चेक। अब कहां से मिलेगा दूसरा फोन? ट्रैम ने रागिनी के व्यू को ब्लॉक कर दिया। ट्रैम की दूसरी तरफ क्या हो रहा है पता नहीं सर। वाह क्या चाल चली है मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया। एक पीछे मुड़कर देखो, रेड कलर साइन बोर्ड के पास जाओ। हाँ, ओके। पीछा करो उसका। बिना डरे अंदर जाओ रागिनी। गो गो गो। यस सर। वो मिली क्या? नहीं सर, एक प्रॉब्लम है। आपको वीडियो भेज रहा हूं। वेल प्लेड माई फ्रेंड। To the point, this is a matter of extreme significance. Over to you, Aryan. Thank you, sir. मुझे यकीन नहीं हो रहा, आप कैसे उनके झांसी में फंस गए? हजारों दुश्मनों का मैं अकेला सामना कर सकता हूँ, मगर सच्चा दोस्त कब खतारी पे उतरे ये समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि शक दोस्ती की नींव हिला देता है, और ऐसी दोस्ती को निभाना किसी मौत से कम नहीं। आज तक मैंने आपसे कभी कुछ नहीं चाहा, कभी मांगने की जरूरत ही नहीं हुई, लेकिन आज पहली बार आपसे कुछ मांगने जा रही हूँ। जिसने आपके साथ ये धोखा किया उससे बदला जरूर लेना। अब हम दोनों के बीच होगी महाजंग। आर्यन अपनी शातिर चाल चलना शुरू करेगा। काले कारनामों की लंबी फहरिस्त वो लोगों के सामने रखेगा। सिडनी का अर्थक्वेक, प्लूटोनिक बॉम्ब ब्लास्ट, और अब इंडिया में होने वाले हैं मैनमेड अर्थक्वेक्स। हमारे पास इस बात के सबूत हैं सर कि काउंटर टेररिस्ट स्क्वाड का एक बहुत बड़ा ऑफिसर इन सब के पीछे है सर। उन सारे गुनाहों का ठीकरा वो मेरे सर पे फोड़ेगा, और उसका नाम है अजय कुमार। सर आई बेग टू डिफर, मैंने एक ऐसे पर्सनली ट्रेनिंग ली है, उन्होंने हमें लड़ने से ज्यादा कानून और न्याय के बारे में बताया और सिखाया। मुझे लगता है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा मेरा मन कह रहा है सर। फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स और नंबर्स पर ध्यान दो मिस्टर भरत, तुम्हारा मन क्या कहता है उसके ऊपर ज्यादा मन मत लगाओ, जो तुम्हारा काम है वो करो, मत भूलो तुम ऑफिसर हो। ओके सर। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की पूरी टीम को मेरे पीछे लगा देगा। दुनिया की सारी एजेंसीज को उसके पीछे लगाना चाहिए। आई एग्री टू दैट। मैं इसे रेड अलर्ट इमरजेंसी अनाउंस करता हूँ। मुझे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बताएगा और मेरे पीछे 80 देशों की एजेंसी को भेजेगा। दिस इज वॉर। ये युद्ध भूमि है। कृष्ण ने कहा अर्जुन से, यू नो प्यार जता दुश्मन से। अब तू अपनी कोई भी चाल चल मेरे दोस्त, मैं तैयार हूं। अब क्या चाल चलेगा मेरे दोस्त? और कितने दिन इंतजार करेंगे हम लोग? तुमने हमसे वादा किया था कि तुम 5 दिन में इंडिया में अर्थक्वेक करवाओगे। तुम्हारे कहने पर मल्टीनेशनल को यह प्रोजेक्ट दिखाकर हमने हजारों करोड़ पैसा एडवांस लिया है, और उन्होंने दवाइयों और मटेरियल के प्रोडक्शन बढ़ा दिए हैं। हमने तुम्हारे अकाउंट में 20,000 करोड़ ऐसे ही नहीं डाले हैं।
फिर सोच लो तुम ये काम कर पाओगे। हमने वो वेपन ड्राइव एक्टिवेट कर लिया है, नथिंग कैन स्टॉप अस। सर हमें रुकना पड़ेगा। क्यों? आगे बहुत ट्रैफिक है सर। तो फिर रिवर्स लो। पीछे भी जगह नहीं है सर। माफिया से मीटिंग के बारे में अगर सीटीएस को पता चल गया तो? यहाँ जान आफत में फंसी है और तुम्हें इस मीटिंग की पड़ी हुई है। What? ये जाम नहीं ट्रैप है। एके, वो हमारी तरह नहीं है जो पीछे से वार करेगा, सामने आके माथे पर गोली मारेगा वो। शिकारी शिकार को फोन कर रहा है। स्नाइपर एयर 96, 900 मीटर रेंज, 3 किलोमीटर विंड स्पीड, क्लियर हेडशॉट, गोली चली खोपड़ी उड़ी। मेरे दोस्त, टॉक बिजनेस माय फ्रेंड। वेपन को रोकने के लिए मुझे तीन सवालों के जवाब चाहिए। डिक्रिप्शन कोड कहाँ है, वेपन को कहाँ पर गार्ड कर रखा है, और वेपन को किस सैटेलाइट स्टेशन से लॉन्च करोगे। तुम हंसते हुए भी कमीने लगते हो। तुम्हारी हंसी का राज मैं जानता हूँ। बुलेट प्रूफ कार है ना? कितना भी स्ट्रॉन्ग पॉलीकार्बोनेट ग्लास क्यों ना हो, अगर 7 बार एक जगह पर शूट किया जाए तो वो बिखर जाता है। ये तू भी जानता है और मैं भी जानता हूँ। क्यों उड़ गया ना तेरे चेहरे का रंग बेटा? मेरा प्लान किया हुआ ट्रैफिक जैम 3 मिनट में खुल जाएगा। चल मुखोल, गाड़ी को आगे पीछे करते रहो। यस सर। एक ही जगह निशाना ना लगे। ग्लास की मजबूती सिर्फ 80% रहेगा। ये सर। Keep moving, keep moving। वो है कहाँ पर? वो गोली कहाँ से चला रहा है? कहाँ है वो? कहाँ है वो? एके, सामने आओ, बात करते हैं। वो सामने वाली बिल्डिंग में, स्वॉट टीम को भेजो। कुछ करो आर्यन। मजबूती सिर्फ 40% रह गई है। आर्यन, कुछ करो। एके, सामने आओ, बात करते हैं। सर, अब सिर्फ 20% है। एके, हम बात करते हैं ना। क्या कर रहे हो तुम? क्या सोच? अब सिर्फ 10% है सर। वो बचने ना पाए। एके यहाँ नहीं है सर। ये कैसे हो गया? बैरोमीटर इज क्लियर। एके कहीं नहीं है। डैम इट, ये आवाज कैसी है? कहाँ से आ रही आवाज? कहाँ से? निकालो हमें। गाड़ी चलाओ। क्या बोलता है? कुछ करो। गाड़ी चलाओ। ग्लास टूटने वाला है सर। अब गया तू। इसके लिए मुझे फंसे चलो। ये ले। आज मौत छू कर चली गई। पर क्या वो वापस आएगा? तुम्हें तो उसे इनविटेशन दिया कि सामने आओ बात करते हैं। हा? जब बुलाया है तो आएगा नहीं? वो जरूर आएगा। रिलैक्स, इस वॉच को पहन लो। जैसे ही एके तुम्हारे पास आएगा इसे जोर से दबाना, उसी वक्त मेरा अलार्म बचेगा और मैं तुम्हारी मदद के लिए पहुंच जाऊंगा। रागिनी, मैं इस बिल्डिंग में जा रहा हूँ शॉन से वेपन्स की डिटेल्स लेने। इस चिप की मदद से थर्मल इमेजिंग कैमरा में मैं तुम्हें ऑरेंज कलर में देखूंगा और बाकी सब येलो कलर में। मेरे आगे कितने लोग हैं और वो लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं तुम मुझे गाइड करोगी, ठीक है? ठीक है। जैसे तुम ये बटन दबाओगे अंदर के सारे सीसीटीवी कैमराज 10 सेकंड्स के लिए बंद हो जाएंगे। बिना डरे ये सब कर लोगे ना? आपकी टीम के लिए ये आज तक एक काम रहा होगा, लेकिन मेरे लिए ये जिंदगी है। मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। रागिनी, माइक जो मर चुका है मैं उसका बायोमेट्रिक इस्तेमाल करके अंदर जा रहा हूँ। सिक्योरिटी सिस्टम 9 मिनट के अंदर गलत एंट्री का पता लगा लेगा। उसी बीच शॉन से okay. मुझे डिटेल्स लेकर भी आना होगा। स्टॉपवॉच 9 मिनट पर सेट कर दो। आपके लेफ्ट में 6 कमांडोज हैं। कॉपी दैट। गुड जॉब रागिनी। अपने ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, लेफ्ट लेफ्ट।
रिपोर्ट इमीडिएटली। ओके चलो चलें। काफी सारे लोग आ रहे हैं। सर सर रागिनी सीसीटीवी का रिमोट उठाओ, इसे दबाते ही यहां की इमेज बदल जाएगी। हाय शॉन। रागिनी दबाओ। देख शॉन, एक है मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, तुझे मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। शराफत से बोलेगा या जबान खींच के बाहर निकालो। तो तू मुझे मजबूर करेगा हा? ये मेरा लैब है, यहाँ न जाने कितने लोगों को मैंने मौत के घाट उतार दिया है, तू मुझे क्या मारेगा? अबे मैं वो शेर हूँ जिसकी दहाड़ से बड़े बड़े जानवर कांपते हैं। I can handle this. इसके पीछे का साइंस मुझे पता है। जिन्हें ये साइंस नहीं पता उनके लिए ये दर्द से शुरू होकर दर्द पर खत्म होता है, मगर सब कुछ पता होने के बावजूद तेरे चेहरे पर दर्द से पहले डर साफ साफ दिखाई दे रहा है, और जो डर गया समझो मर गया। दर्द हो रहा है, माँ की याद आ रही है? अभी असली लोरी तूने सुनी कहाँ है बे? अभी तो तेरे जिस्म की एक एक नस कटनी बाकी है, रगों में दौड़ने वाला खून ठंडा पड़ रहा है ना। ये तो सिर्फ जिस्मानी दर्द है, एक और दर्द होता है जब हम किसी को जी जान से प्यार करते हैं, जब हम आंख बंद करके किसी पर भरोसा करते हैं, जिसके लिए कभी भी अपनी जान देने से मुंह नहीं मोड़ते, जब वो हमारी पीठ पर खंजर भोंकते हैं, तब जिस्म ही नहीं सीना भी छलनी हो जाता है, क्योंकि दोस्ती में गद्दारी से बड़ा कोई दर्द नहीं। प्लूटोनियम वेपन के एक्सप्लोजन को रोकने के लिए नताशा का लिखा हुआ डिक्रिप्शन कोड कहाँ है? कहाँ है डेस्क? कहाँ रखी है? चल बोल, बोल। वो आर्यन के पास है। ये बॉम्ब इंडिया में कहाँ फटने वाला है? कोऑर्डिनेट्स दे, टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी बता। 28.7041 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड, 77.1024 डिग्रीज ईस्ट लॉन्गिट्यूड। शॉन की घड़ी से इमरजेंसी कॉल आ रहा है सर, जल्दी से हेडक्वार्टर्स जाना होगा। जरूरत नहीं, शॉन को जो घड़ी मैंने दी है वो अलार्म वाली घड़ी नहीं है, इट्स अ डेटोनेटिंग बॉम्ब। कौन सा सैटेलाइट स्टेशन, जल्दी बोल। वो बॉम्ब उसके 10 मीटर के रेडियस में ब्लास्ट होगा। वो कौन से सैटेलाइट स्टेशन से लॉन्च होगा? चल बोल, जल्दी बोल। उस बॉम्ब के धमाके में शॉन के साथ साथ एके भी मरेगा। शॉन, टाइम इज रनिंग आउट, कौन सा सैटेलाइट स्टेशन बोल। कितना भी जोर लगा ले, इस बार उसकी हर चाल नाकामयाब रहेगी। आर्यन से कोई नहीं जीत सकता। रागिनी, क्या? मेरा दम घुट रहा है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। सांस फूल रही है। तुम्हें कुछ नहीं होगा रागिनी। बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी आ जाओ। हिम्मत रखो, मैं अभी आता हूँ। प्लीज जल्दी आओ। तुम्हें कुछ नहीं होगा रागिनी, I'll take you to the hospital। तो ठीक है ना? ऊपर वाला कब किस रूप में आकर मदद करे पता नहीं, शायद इस बार हमारे बच्चे के रूप में आया है। होल्ड ऑन। आप बताएंगे ये सब हो क्या रहा है? हाँ हाँ, हम जानना चाहते हैं। दिस इज AK, अजय कुमार, मोस्ट वांटेड टेररिस्ट। मासूम बेगुनाहों को मारने वाला,
एके, किसी दूसरे हॉस्पिटल ले चलो। वो इंसानियत का दुश्मन है। FBI, CIA, Interpol, Europol, CTS, CBI, SWAT, दुनिया भर की पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ रही है इस इंटरनेशनल मुजरिम को। मुझे शक कर आ रहे हैं। बस पहुंच गया रागिनी। रागिनी। मुझे सूजी रिमोट दो। मुझे दो, चलो बाहर खेलते हैं। क्या तुम अब ठीक हो? या फीलिंग बेटर? ये अब ठीक हैं। ये डिहाइड्रेट हो गई थी, इनका ख्याल रखना और इन्हें आराम की जरूरत है। जेफ्री, बच्चों से कहे शोर ना मचाएं प्लीज। कहा जाता है कि अजय कुमार नाम का ये मुजरिम काफी दिनों से फरार है। झगड़ा मत करो। वो एक देशद्रोही है, दुनिया में आतंकवाद फैला रहा है। बच्चों, मैं अभी आई। मार्क, सूजी, शोर मचाना बंद करो। ये लो। अजय कुमार उर्फ एके एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। अगर आपके पास इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है तो नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। तुम ठीक हो ना? जब मकसद सही हो तो भगवान भी साथ देता है, यही कहा था ना तूने? तो कहाँ है तेरा भगवान? मुझसे डरकर अपनी पत्नी के साथ भागता फिर रहा है। सही कहा तूने मेरे दोस्त, मैं भाग ही रहा हूं, मगर तुझसे डरकर नहीं बल्कि तेरी ओर, तेरे खिलाफ, तुझसे बदला लेने। रोक सके तो रोक ले। कितनी बार तुझे समझाऊं, ये ईमानदारी, सच्चाई, न्याय, उसूल, आदर्श, इनसे कुछ नहीं होता, होता है तो सिर्फ पावर से। सच्चाई, ईमानदारी, न्याय, धर्म, इनका इस्तेमाल तू अपने मतलब के लिए करता है और मैं लोगों की भलाई के लिए करता हूं। देखते हैं इस खेल में जीत तेरी होती है या फिर मेरी। मेरे दोस्त, तू हार चुका है। तीसरा प्लूटोनियम वेपन भी मैंने एक्टिवेट कर दिया, जिसे 5 घंटे के बाद ब्लास्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। काम मेरा है, लेकिन दुनिया जानती है कि एके ने बॉम्ब प्लांट किया है। अब तू मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है। वो इतिहास लिखने के बारे में सोच रहा था ना, और मैं यहाँ तेरा भूगोल बदलने जा रहा हूँ। सुबह होते ही दुनिया के नक्शे से इंडिया का नामो निशान हो जाएगा। बड़ा चला था धर्म की रक्षा करने, पैसा होगा मेरा और मौत होगी तेरी। हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार बनेगा तू। अगर तू इस ब्लास्ट को रोकना चाहता है तो तुझे मेरे फिंगरप्रिंट्स की जरूरत पड़ेगी, मगर मैं तो देश छोड़कर जा रहा हूँ। दुनिया के 8,560 किलोमीटर रेडियस का कंट्रोल अब मेरे हाथों में है, तो अब मैं तुझे चैलेंज देता हूँ। बिल से बाहर आ और जो कर सकता है कर। एके, तू हार गया। क्या हम हार गए? भले ही पूरी की पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, हालात मुश्किल हो जाए और चीख चीख कर तुमसे कहे कि तुम बुरी तरह हार चुके हो, मगर जब तक तुम्हें अपने आप पर भरोसा है तब तक कोई भी, कहीं भी और कभी भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। Never ever give up. बात ध्यान से सुनो रागिनी, ये मेट्रो जंक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट है। इसे लास्ट स्टेशन पहुंचने में पूरे 3 घंटे लगेंगे। उन 3 घंटों के अंदर अंदर अपने काम को अंजाम देकर आखिरी स्टेशन पर मैं तुमसे मिलूंगा। रागिनी, सिर्फ एक बात का ख्याल रखना, 3 घंटों के अंदर तुम मुझसे हर हाल में मिलने वाली हो।
उससे पहले तुम किसी भी स्टेशन पर उतरना मत, ठीक है? हेलीकॉप्टर तैयार रखो। सर, एके को सर्वेलेंस कैमरास में देख लिया गया है। एके को मैसेडोनिया स्क्वायर पर देखा गया है। वो मिल गया सर। देयर ही इज। एके हमारे करीब है। एके ने पहली बार गलती की है। इससे पहले कि वो इस बात को समझे, उसे पकड़ो और खत्म कर दो। कम ऑन स्वॉट टीम, गेट अप एंड गेट रेडी। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मूव मूव। डैमिट, यहां पर हो क्या रहा है? कम ऑन, जवाब क्यों नहीं देते? आंसर मी। एके यहां नहीं है सर, उसने वीडियो मैसेज छोड़ा है। क्या बोल रहा है? गिड़गिड़ा रहा है या रो रहा है या फिर अपनी बेगुनाही का सबूत दे रहा है? आप लोगों ने जो भी इल्जाम मुझ पर लगाए वो सब सच है, बट योर डेटाबेस इज रॉन्ग। मैंने कई संगीन गुनाह किए हैं, आगे और भी करूंगा। एन ओपन चैलेंज टू ऑल एजेंसीज। आपके वफादार आर्यन, ईमानदार आर्यन और सिंसियर मिस्टर आर्यन को 2 घंटे के अंदर मौत के घाट उतारूंगा। बचा सकते हो तो बचा लो। माई फ्रेंड, आई एम कमिंग फॉर यू। माई फ्रेंड, वेल प्लेड। ओफो, कम ऑन गाइस, ये मजाक है। वो मुझ तक पहुंच ही नहीं सकता है। What's happening? आइए अंदर चलते हैं सर। आर्यन को कवर दो। चलो चलो जल्दी करो। कवर हिम अप। माय फ्रेंड, आई एम कमिंग फॉर यू। फॉर यू। फॉर यू। फॉर यू। मेरा टाइम चार्ट। सर, आपके टाइम चार्ट की मदद से एके आपको ट्रैक कर रहा है। ही इज गोइंग फॉर अ किल। केयरफुल सर। आर्यन, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए तुम 24 घंटों के लिए हमारे प्रोटेक्शन में रहोगे। इसमें तुम्हारी भलाई है, प्लीज कोऑपरेट। सर, एक एक गेम खेल रहा है। मेरा मन कह रहा है कि वो कोई बड़ी चाल चलने वाला है। मेरी बात का यकीन कीजिए सर। एक्सक्यूज मी सर, फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स, इन सब चीजों पर ध्यान दीजिए। आपका मन क्या कहता है इस पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन तो कर नहीं सकते। ऑफिसर की तरह बात कीजिए। ही इज राइट, तुम्हारे लिए हाई सिक्योरिटी जरूरी है। आर्यन हमारे साथ है सर, इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हम पर है। We've secured him to the fullest. आ, मेरे हाथ धुलवा देना। सर, गधे कहीं के। मैं देश छोड़कर जाना चाहता था। तुम 24 घंटे हमारे प्रोटेक्शन में रहोगे। मगर उन्होंने मुझे इस बिल्डिंग के अंदर बंद कर दिया। What am I missing? What am I missing? आपके टाइम चार्ट की मदद से एके आपको ट्रैक कर रहा है सर। मैं कहां जाने वाला हूं उस टाइम चार्ट को उसने हैक नहीं किया, बल्कि कहां कहां गया उस टाइम चार्ट को उसने हैक किया। ऐसा करके वो पता लगाएगा कि मैं कौन कौन से सैटेलाइट स्टेशंस गया था। ही इज ट्रैकिंग बैकवर्ड्स। आर्यन ने यहां टाइम चार्ट ऑफ कर दिया, यहां ऑन कर दिया। ब्लैक स्पॉट, कितनी देर के लिए टाइम चार्ट ऑफ किया गया होगा? 2 घंटे। रेडियस कितना होगा? 30 किलोमीटर। इन 2 घंटों में 30 किलोमीटर के अंदर अंदर किसी भी एक सैटेलाइट स्टेशन से वेपन एक्टिवेट किया होगा। ऐसे कितने स्टेशन होंगे? 50। 50 स्टेशन को कवर करने में कितना वक्त लगेगा?
3 घंटे। 3 घंटों के अंदर क्या 50 सैटेलाइट स्टेशंस को कवर कर सकता हूँ? कभी नहीं कर सकता। फिर वो क्या करेगा? क्या करूं? वहाँ हाई पावर हब से चलने वाला सैटेलाइट स्टेशन है सर। हाई पावर हब। हाई पावर हब। 3 घंटे के अंदर 50 सैटेलाइट स्टेशन कवर नहीं कर सकता, लेकिन 50 सैटेलाइट स्टेशन को बिजली देने वाले 10 हाई पावर हब को बंद कर सकता हूँ। कौन सा पावर हब है एक नहीं जानता। एक एक करके सारे पावर हब बंद करेगा। कमाल की चाल चली है मेरे दोस्त। वेपन लॉन्च होने में कितनी देर है? 3 घंटे। जल्दी लॉन्च करो। टाइम चेंज करने के लिए आपको अपना फिंगरप्रिंट्स और बायोमेट्रिक देना होगा सर। आपको खुद यहाँ आना होगा सर। एक छोटा सा काम तुम लोगों से नहीं होता। तुम उसकी तैयारी करो, मैं पहुँचता हूँ। आई एम ऑन माई वे। आर्यन सर, एक इस बिल्डिंग के गेट तक पहुँच चुका है। मेरा यहाँ रहना सेफ नहीं है सर। यस दैट्स ट्रू। जल्द से जल्द मुझे यहाँ से शिफ्ट कीजिए सर। कमांडोस, जानते हो सबसे बदनसीब कौन होता है? वो नहीं जो अपने मरने की वजह नहीं जानता, बल्कि वो है जो मौत सामने देखकर पहचान नहीं पाता। सर, स्टेटस। एके ने 2 पावर हब स्विच ऑफ कर दिए हैं सर। आर्यन वहां से निकल चुका होगा। उसकी अगली चाल क्या होगी? वेपन को ब्लास्ट करने के लिए टाइमिंग बदलना होगा। मूव फास्टर। वो वक्त से पहले धमाका करने की कोशिश करेगा। अगला पावर हब बंद करने के लिए 15 मिनट लगेंगे। गो फास्टर। सेक्टर क्लियर। सर आपने 15 मिनट कहा, लेकिन एक ने तो 5 मिनट में बंद कर दिया। उसे भनक लग गई है कि हम टाइमिंग बदलने जा रहे हैं। स्पीडिंग इट अप। Four down, sir. अगर वाकई भगवान उसका साथ दे रहा है तो वो किसी तरह पावर हब को ढूंढकर उसे बंद कर देगा और वेपन को ब्लास्ट होने से रोक देगा और फिर वो जीत जाएगा। मेरा हुक्म का इक्का। What am I missing? वो सीसीटीवी फुटेज में अकेला है, तो इस वक्त रागिनी को कहां होना चाहिए? सोच आर्यन, एक की तरह सोच। इसका मतलब है कि वो एक ही जगह पर नहीं है। वो प्रेग्नेंट है, बस में नहीं जा सकती। थिंक लाइक अजय कुमार। हाँ, ट्रेन। इस वक्त कितनी मेट्रो ट्रेन्स चल रही हैं? 41 ट्रेन्स चल रही है सर। इन्हीं ट्रेन्स में से किसी एक में होनी चाहिए वो। ढूंढो उसे। अपने सीक्रेट सोसाइटी साइबर विंग को अलर्ट करो। हर एक स्टेशन में अनाउंस करवा दो कि अब एक ही इस दुनिया में नहीं है। एक ही इज शॉट एंड किल्ड बाय द स्पेशल फोर्सेस। एक इंटरनेशनल क्रिमिनल एक को स्पेशल फोर्सेस ने गोली मार दी है। कहा जाता है कि वो काफी टाइम से फरार था और आज वो स्पेशल फोर्सेस के हाथ लग ही गया। एक ही फील्ड कमांडर था और एक्स मिलिट्री ऑफिसर था। टीवी चैनल वेबसाइट को हैक करने को कहो। उस न्यूज को ऑनलाइन जो भी लोग देख रहे हैं उनकी डिटेल्स भेजो। कहा जाता है कि एके इंसानियत का दुश्मन ही नहीं, देशद्रोही भी है और वो एक गद्दार है। चलती हुई ट्रेन में कितने लोग देख रहे हैं? फिफ्टी फोर पैसेंजर्स ऑनलाइन देख रहे हैं सर। उन 54 डिवाइसेस को हैक करके उनका वेबकैम फीड भेजो। एक्सक्यूज मी, कैन यू हेल्प मी? 6 पावर हब बंद हो चुका है सर। एक्सक्यूज मी मैम, कैन यू हेल्प मी विद योर लैपटॉप? या श्योर, क्या करें? प्लीज लॉग इन टू ड्यूज टुमारो। ओके। 8 पावर हब डाउन सर। That's my husband. Ragini.
अब तेरे पास सिर्फ 15 मिनट बचे हैं और सिर्फ एक पावर हब है, मगर मेरे पास वो पावर है जो तुझे वहीं के वहीं रोक सकती है। तेरी पत्नी रागिनी बेचारी को समझ ही नहीं आ रहा है कि अपने हालात पर रोए या फिर तेरे जिंदा होने की खुशी मनाए। हे, व्हाट एम आई हियरिंग? गाड़ी को ब्रेक मारा क्या? डर के मारे तुम्हारी धड़कनें तेज हो गई, उसकी आवाज मुझे यहाँ तक आ रही। प्रूफ। लो बात करो। हे, तुम तो सिंगर हो ना, चलो गाओ। मुझे उसका चेहरा दिखाओ। तुम्हारे अंदर का एजेंट कभी नहीं मरेगा। ओके देख, पिक्चर क्वालिटी अच्छी है ना? अगर तू अपनी जगह से हिला ना तो ये जिंदगी में कभी गा नहीं पाएगी। जहां है मेरे दोस्त वहीं रहे। तुम्हारा पति क्या करेगा? दो ऑप्शंस हैं, या तो वो दुनिया को बचाएगा या फिर चुपचाप वहीं रहकर तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को बचाएगा। तीसरा ऑप्शन भी है। वो तुझे तड़पा तड़पा के मारेंगे। मैं कुछ समझा नहीं रागिनी, मगर तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं। आई एम फैसिनेटेड, इस हिम्मत का राज क्या है? तू नहीं समझेगा, जब भी तू मेरा नाम लेता है ना, रागिनी रागिनी कहता है। सिर्फ एक बार मेरा पूरा नाम लेकर देख, तब तुझे समझ में आएगा कि मेरी हिम्मत का राज क्या है। मेरा पूरा नाम है रागिनी अजय कुमार। अपने चेहरे की ये झूठी हंसी बचा कर रख, क्योंकि तुझे मरते वक्त पानी भी नहीं मिलेगा। मुझे दिया हुआ वादा पूरा करने के लिए वो मौत के मुंह से लौट आए, तो क्या तेरी चिता जलाने नहीं आएंगे? गॉड्स, क्या हो रहा है? ये आवाज कैसी थी? रिपोर्ट करो जल्दी, क्विक। देखो वो कहाँ है, गो 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 गो। इस जगह के बारे में उसे कैसे पता चला? पिक्चर क्वालिटी तो अच्छी है ना? तुम्हें मोर्स कोड बताकर गलती कर दी, अब तुम मुंह से कम मोर्स कोड से ज्यादा बात करती हो। मोर्स कोड। जलेगी रावण की लंका, बजेगा हमारी जीत का डंका। कितनी भी मुश्किलें आए हम नहीं हारेंगे। तूने गाने को कहा था ना, अब तेरा बाजा बजेगा। पॉइंट 6 मिलीसेकंड लगेगा मुझे इस ट्रिगर को दबाने में। तू गोली चलाएगा तो मैं भी चलाऊंगा, और तू जानता है आज तक हम दोनों का निशाना कभी नहीं चूका। तो आज मुकाबला हो ही जाए मैन टू मैन। 4.5 मिनट में वेपन ब्लास्ट होगा। 4.5 मिनट, 15 साल की ट्रेनिंग, 20 साल की दोस्ती, देखते हैं क्या न्याय जीतेगा या फिर आर्यन जीतेगा। तू कहां मारेगा ये मैं जानता हूं, और मैं उसे कैसे रोकूंगा ये तू जानता है। दोस्ती थी ना, पक्की दोस्ती। जब एक दोस्त दूसरे दोस्त को धोखा देता है तो उसके दिल में खौफ बैठ जाता है। चल आज तुझे खत्म कर देता हूं, तेरा खौफ खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। Yeah!
की हार होती है और सच्चाई की फतेह होती है। न्याय ही जीतता है हमेशा। नताशा बेबी, पापा तो मम्मी को नहीं बताएंगे, तो तुम ही पूछ लो। What's next? आगे क्या? हर ईमानदार और कामयाब इंसान के पीछे उसकी पत्नी का हाथ होता है, क्योंकि पत्नी अपने पति पर पूरा यकीन करती है।